पिछले 24 अक्टूबर को अचानक अपने घर के चिराग को खो चुके परिवार आज भी जानना चाहते हैं उसकी मौत की असली वजह। अकृत इंटरप्राइज, घोषपाड़ा रोड, श्री कृष्ण सिनेमा के पास, जगदल। वो सच्चाई जो कहीं ना कहीं आज धुंधली दिख रही है। आइए पहले सुनते हैं क्या है इस परिवार के मन में। अठपाड़ा 14 नंबर वार्ड की ये निवासी पूरा परिवार आपको दिख रहा है। उनके पिताजी हैं, उनकी पत्नी है और इधर माँ को, एक माँ की कुक सुनी हो गई। आखिर क्यों, कैसे, कहाँ, ये पूरा परिवार जो है जिस पर टिका हुआ था वही इस दुनिया से चला गया। आखिर हुआ क्या था घटना, हम आइए सीधे उनके माँ से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? साबिया खातून। फोन आया, क्या हुआ था आपके बेटे का? सोएब अख्तर नाम है। खाना वाना खा करके आराम करता था। 4:30 बजे भोला बोल करके कोई दोस्त फोन किया, उसको बुलाया, वहां पर गया। घर का आदमी सभी जान रहा कि रोज दोस्त फोन करता है जाता है, यही मेरा हाल। यहां आपको बता दे कि भाटपाड़ा 14 नंबर वार्ड के युवक, नाम था सोएब अख्तर, पेशे से ड्राइवर का काम करता था। 24 अक्टूबर अचानक उसे एक कॉल आता है और वो घर से निकल जाता है। 4:30 बजे भोला बोल करके कोई दोस्त फोन किया, उसको बुलाया, वहां पर गया। घर का आदमी सभी जान रहा कि रोज दोस्त फोन करता है जाता है, यही मेरा हाल। कुछ देर बाद ही घर वालों को स्वेप के बाइक का एक्सीडेंट बताया जाता है। अचानक 7:30-8 के बीच में खबर आ रहा, मेरे पास एक दोस्त आ रहा, आकर के बोल रहा कि स्वेप का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्द से जल्द गोलघर। आनंद फानंद में घर वाले पहुंचते हैं गोलघर अस्पताल, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। उसके पैर के घुटने का हड्डी तक बाहर आ गया था। गोलघर जब गए तो देख रहे अवस्था बहुत ज्यादा ही खराब, वहाँ से पीजी भेज दिया, फिर वहाँ से भी बहुत मेरा बच्चा का हालत। लेकिन उसके बाद परिवार वालों ने उसके दोस्तों से संपर्क करना चाहा। भोला कौन है? भोला उसका दोस्त है। भोला को मैंने गाड़ी के लाइन में जब से लिया है उसका साथ है, वो भी गाड़ी चलाता था, नया बाजार 5 किलोमीटर गोबर फैक्ट्री वहीं पर आता है। उसी को वही हम लोग को खबर दिया किसी प्रिंस के नाम पे, वही आके हमको खबर दिया, हम लोग गए गोलघर। बेटे का मित्र बेटा होता है, उसी प्रकार दोस्त की माँ भी माँ होती है। लेकिन इस दुर्घटना के बाद क्या हुआ स्वेप के दोस्तों का? लेकिन उस टाइम से जब तक वहाँ पर ऐसा था, घर पर आया तो घर पर भी वो आना जाना करता था। लेकिन जब मेरा बच्चा का होशो हवास खत्म हो गया, हम फोन किए भोला का पास कि भोला ऐसा ऐसा बात है, सोएब का बहुत ज्यादा सीरियस है। हम लोग को जवाब दिया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कोई दरगाह मजार पे जाकर के माफी मांगे, आपका लड़का से क्या गलती हुआ है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसका बाद से वो एक दिन भी हमसे मिलने भी नहीं आया, इतना गहरा दोस्ती था, इतना अच्छा दोस्ती था, माँ हमको बोलता था, लेकिन वो भी नहीं आया एक बार हमसे मिलने। अब सुनिए इस हादसे को लेकर परिवार के मन में उठता हुआ सवाल। लगता है ये एक्सीडेंट है ना क्या? नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा का एक्सीडेंट नहीं है, इसका उसका साथ साजिश हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, हम इसी का सबूत है आपके पास? साबुत तो यही है भाई, साबुत यही है कि मेरा बच्चा को जो इतना ही करता था वो आज मिलने नहीं आ रहा, मिट्टी के टाइम तक घर पर नहीं आया हमसे मिलने, तो कैसे नहीं सक होगा। इसी के दौरान हमको हर समय आता था। पुलिस प्रशासन को आपने इत्तला किया? मतलब जवाब? बहुत कोशिश कर रहा है, ऐसा बात नहीं, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, पुलिस पात्र हाँ वही है, वही बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको पकड़ने से सब कुछ पता चल जाएगा। प्रशासन से आशा है? बहुत आशा है, एक ही औलाद था, 6 महीना हो रहा अपना, इतना अरमान से बहुत आ रहे थे, अब हम लोग का सब कुछ बर्बाद हो गया। CBI CID का जांच हो कि ताकि मेरा बच्चा को इंसाफ मिल सके। आप एजेंसियों का जांच में? हाँ। परिवार का कहना है कि ये दुर्घटना नहीं साजिश है। क्या नाम है? सना परवीन। क्या लगता है ये जो उनका साथ जो घटना हुआ, ये आपको क्या लगता है? साजिश है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ऐसा आपको भी लगता है? क्योंकि ये थी जो चला रहा था उसको भी कुछ नहीं हुआ, ना स्कूटी को कुछ हुआ है, सिर्फ इन्हीं को हुआ है पैर में। जी हाँ, जब एक बाइक पर 3 लोग सवार हो
और उस बाइक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चोट तो तीनों को आनी चाहिए, न कि केवल बीच में बैठे हुए व्यक्ति की। जिस दुर्घटना से बीच में बैठे सवारी का घुटना टूटकर बाहर आ जाए, उस बाइक का क्या हालत हुआ होगा? यही सवाल आज भी परेशान कर रहा है शोएब के घर वालों को। इंसाफ चाहिए, नहीं हुआ पता चले। उस पर दो आदमी था और एक मेरा ही बच्चा का लगा, उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी का कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे ही बच्चा का संग ऐसा हो गया। हमें चाहिए कड़ी यहाँ तक सच्चाई निकालने के लिए, जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिले। कार्रवाई आप चाहते हैं, उम्मीद है आपको कि आपके पुत्र के जो कातिल है वो पकड़े जाएंगे, अगर एक्सीडेंट नहीं, अगर ये साजिश हो। सही प्रशासन जाएगी तो जरूर हमारे कह रहे हैं कि भाटपाड़ा पुलिस प्रशासन का जांच जो है वो सटीक रूप से है, संतुष्टि है मिजाज से, लेकिन उच्च आधिकारिक जांच हो, सीबीआई सीआईडी इन सब एजेंसियों की मांग कर रहा है। उनका प्रश्न, आखिर सच को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? आखिर ऐसा कौन सा दुर्घटना हुआ कि केवल और केवल शिकार हुआ बीच में बैठा हुआ युवक? पुलिस के खिलाफ तो नहीं, लेकिन राज्य या केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जल्द जांच की मांग की जा रही है परिवार के द्वारा। देखना है कब आएगा सच सामने, शोएब या उसके परिवार वालों को मिलता है इंसाफ की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट 24 घंटा लाइव। সুদিয়া মাঠ জগদ্দলে আয়োজিত হতে চলেছে ব্যারাকপুর এমপি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। অংশগ্রহণ করতে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে